बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर हैं जिन पर अपनी पत्नी को धोखा देने के आरोप लगे हैं। वहीं कुछ अभिनेत्रियां भी हैं जिनके लिए कहा गया है कि उन्होंने दूसरी औरत का घर तोड़ दिया है। ऐसे लोगों में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का नाम भी आ जाता है। तो सन्नी देओल की माँ और धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने अपने पति के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र की शादी 1954 में हुई थी। धर्मेंद्र महज 19 साल के थे। इस शादी से धर्मेंद्र के 4 बच्चे थे। बच्चों का नाम सन्नी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल है। शादी करीब 26 साल के बाद प्रकाश कौर को धर्मेंद्र से ऐसा धोखा मिला कि वह चाहकर भी नहीं भुला सकती। धर्मेंद्र ने शादीशुदा होते हुए भी हेमा मालिनी से शादी करने का फैसला किया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने सन 1980 में शादी कर ली। शादी के बाद आज तक प्रकाश कौर ने ना तो धर्मेंद्र के खिलाफ एक भी शब्द कहा और ना ही हेमा मालिनी के खिलाफ। प्रकाश कौर हमेशा यही कहती रहती है, भले ही धर्मेंद्र अच्छे पति ना साबित हो सके लेकिन वह एक बेहतरीन पिता भी है। हेमा मालिनी के लिए वह कहती है कि हेमा मालिनी ने जो किया वह उनकी मर्जी थी, लेकिन शायद मैं उनकी जगह होती तो मैं वैसा नहीं करती।